मॉडल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग आप सीखने जा रहे हैं, और मस्ट के प्रयोग के साथ साथ इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब का आज आप प्रयोग सीखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मस्ट का अर्थ होता है जरूर करना चाहिए, मस्ट का अर्थ होता है जरूर करना चाहिए। और मस्ट का प्रयोग करने के लिए हम जब किसी को कोई एडवाइज कर रहे हैं, और ऐसी एडवाइज जब हम कोई बात दबाव पर डालकर या किसी बात को फोर्स करके हम उस बात को कहते हैं, तब मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और मस्ट का प्रयोग ज़्यादातर ब्लड रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड को ही सलाह देने में हम प्रयोग करते हैं। तो मस्ट अगर है तो इसका अर्थ होगा जरूर करना चाहिए, और अगर आप मस्ट बी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ होगा जरूर होना चाहिए या जरूर होगा। मस्ट बी के साथ अगर आईएनजी जोड़ रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाता है आपका जरूर कर रहा होगा। और मस्ट बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग अगर आप इसके साथ कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाता है जरूर किया जाना चाहिए। अगर मस्ट हैव का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पास जरूर होना चाहिए या पास जरूर होगा। या मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ हो जाता है आपका जरूर करना चाहिए था। या मस्ट हैव हैड का प्रयोग आप कर रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाता है जरूर पास जरूर होना चाहिए या पास जरूर होगा। या मस्ट हैव बीन का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाता है जरूर होना चाहिए था। और अगर आप मस्ट हैव बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाता है जरूर किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आगे प्रत्येक कॉन्सेप्ट का अर्थ सेंटेंसेस के साथ आपको बताने जा रहे हैं। आपका है मस्ट, केवल मस्ट, और मस्ट का अर्थ होता है जरूर करना चाहिए। सेंटेंस है जैसे कि मुझे उससे जरूर बात करनी चाहिए, तो इसका प्रयोग आप करेंगे आई मस्ट टॉक टू हर। यहाँ पर आई सब्जेक्ट और फिर उसके बाद मस्ट, और उसके बाद फिर आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको ले जाना है ऑब्जेक्ट। तो आई मस्ट टॉक टू हर इसकी इंग्लिश बन जाती है। सेकेंड है आपका अमन को जरूर पढ़ाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश आप ऐसे बनाएंगे अमन मस्ट टीच, अमन को जरूर पढ़ाना चाहिए इसकी इंग्लिश बनाएंगे अमन मस्ट टीच। और अगर है रूही को जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश बनेगी रूही मस्ट स्टडी। तो अगर आप मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं सिंगल मस्ट का, तो उनके सेंटेंसेज आप इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है। लेकिन अगर आप मस्ट बी का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको मस्ट बी का प्रयोग कैसे करना है, इसका अर्थ हो जाता है आपका जरूर होना चाहिए। इसकी इंग्लिश है जैसे हिंदी है आपके आपको वहां जरूर जाना चाहिए, तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए इसकी इंग्लिश आपको बनाएंगे यू मस्ट बी देयर, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे यू मस्ट बी देयर। नेक्स्ट है उसे टीचर जरूर होना चाहिए, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे सी मस्ट बी ए टीचर या ही मस्ट बी ए टीचर। यहाँ सी की जगह ही भी कर सकते हैं, ही मस्ट बी ए टीचर या सी मस्ट बी ए टीचर। अमन को आपके साथ जरूर होना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे अमन मस्ट बी विद यू। तो अगर मस्ट बी का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे जैसे कि यहाँ आपको इस स्ट्रक्चर में सिखाया गया है। नेक्स्ट है मस्ट बी, इसमें भी आप मस्ट बी, यहाँ पर भी मस्ट बी है, इसका सेकंड पार्ट है जरूर कुत्ता होगा दरवाजे पर। तो यहाँ पर आप इस इंग्लिश आप बनाएंगे ए डॉग मस्ट बी एट द डोर, ए डॉग मस्ट बी एट द डोर। सेकंड है अमन जरूर ऑफिस में होगा, अमन मस्ट बी इन द ऑफिस, जरूर खतरा होगा डेंजर मस्ट बी। तो यहाँ पर मस्ट बी का प्रयोग इस स्ट्रक्चर में भी, इस सिचुएशन में भी आप मस्ट बी का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अगर आपको मस्ट बी और उसके साथ थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी है तब, जैसे इंग्लिश जरूर सीखी जानी चाहिए, तो यहाँ पर है इंग्लिश मस्ट बी लर्न, इंग्लिश मस्ट बी लर्न। यहाँ पर क्या है थर्ड फॉर्म बी के बाद क्या यूज किया हमने थर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश जरूर सीखी जानी चाहिए, तो इंग्लिश मस्ट बी लर्न। नेक्स्ट है आपको जरूर बुलाया जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे यू मस्ट बी कॉल्ड। नेक्स्ट है इंग्लिश जरूर बोली जानी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन। तो यहाँ बी के बाद थर्ड फॉर्म अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपका जरूर किया जाना चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अगर मस्ट बी के साथ आप आईएनजी यूज कर रहे हैं तब, वो जरूर खेल रहा होगा,
तो इसको इसकी इंग्लिश आप बनेंगे ही मस्ट बी प्लेइंग, वह जरूर खेल रहा होगा, इसकी इंग्लिश आप बनेंगे ही मस्ट बी प्लेइंग। नेक्स्ट है अमन जरूर पढ़ रहा होगा, अमन जरूर पढ़ा रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश आप बनेंगे अमन मस्ट बी टीचिंग, अमन मस्ट बी टीचिंग। नेक्स्ट है रूही झूठ बोल रही होगी, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे रूही मस्ट बी लाइंग। तो मस्ट बी के साथ अगर आप आईएनजी प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश आप उन सेंटेंसेस की इंग्लिश इस तरह से बनाएंगे, आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट मस्ट बी और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपको जोड़ देनी है। नेक्स्ट है अगर मस्ट हैव पास जरूर होना चाहिए, इसका अर्थ हो जाता है जैसे उसके पास कार जरूर होनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे ही मस्ट हैव ए कार, ही मस्ट हैव ए कार। नेक्स्ट है अमन के पास ज्ञान जरूर होना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे अमन मस्ट हैव नॉलेज। नेक्स्ट है आपके पास पेन जरूर होना चाहिए, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे यू मस्ट हैव ए पेन। तो मस्ट हैव का प्रयोग आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह के सेंटेंसेज में आपको मस्ट हैव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है मस्ट हैव, तो यहाँ पर भी मस्ट हैव ही है, तो उसके पास पैसे जरूर होंगे, यहाँ फ्यूचर में है तो ही मस्ट हैव मनी, ही मस्ट हैव मनी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या होगा नाउन होगा, और ऊपर के जो सेंटेंसेज थे वहाँ पास पैसे जरूर होंगे, ही मस्ट हैव मनी। नेक्स्ट है अमन के पास बाइक जरूर होगी, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे अमन मस्ट हैव अ बाइक। नेक्स्ट है उसके पास पेन जरूर होगा, ही मस्ट या सी मस्ट हैव ए पेन। लेकिन अगर मस्ट के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए तब इसका अर्थ हो जाता है जरूर किया होगा, उसने खाना जरूर खाया होगा सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे ही मस्ट हैव टेकन फूड, ही मस्ट हैव टेकन फूड। अमन ने जरूर मारा होगा, तो अमन मस्ट हैव बिटन। उसने मुझे जरूर देखा होगा, सी मस्ट हैव सीन मी। तो यहाँ पर इस तरह की जो सेंटेंस है सिचुएशन है उसमें आपको सेंटेंस मस्ट हैव के रूप में मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म का मस्ट हैव हैड, अगर मस्ट हैव हैड दोनों का एक साथ हैव और हैड दोनों का प्रयोग होता है उसका मतलब होगा पास जरूर होगा, जैसे उसके पास कार जरूर होगी, इसकी इंग्लिश बनाएंगे ही मस्ट हैव हैड ए कार, ही मस्ट हैव हैड ए कार। अमन के पास पैसे जरूर होंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे अमन मस्ट हैव हैड मनी। और अगर मस्ट हैव उसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो इसका अर्थ हो जाता है जरूर करना चाहिए था। यहाँ पर मस्ट हैव हैड के बाद क्या आता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मस्ट हैव हैड के बाद आता है आपका नाउन, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा थर्ड फॉर्म, जैसे उसे वहां जरूर जाना चाहिए था, इसकी इंग्लिश बनाएंगे आप ही मस्ट हैव गोन देयर, तुम्हें मुझे बताना जरूर चाहिए था, इसकी इंग्लिश बनाएंगे यू मस्ट हैव टोल्ड मी। और अगर मस्ट हैव हैड पास जरूर होना चाहिए था इस स्थिति में हो तब आपके पास पैसे जरूर होने चाहिए थे, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे यू मस्ट हैव हैड मनी। उसके पास कार जरूर होनी चाहिए थी, इसको इसकी इंग्लिश बनाएंगे सी मस्ट हैव हैड ए कार, सी मस्ट हैव हैड ए कार।